हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडिया की सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ज्वाइन किया है इंटरपोल्स आईसीएसई डेटाबेस। आईसीएसई क्या है? इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ये बेसिकली ये डेटाबेस है, उसको ज्वाइन किया। अब इसके बहुत सारे फायदे हैं, क्या फायदे होंगे इससे वो हम डिस्कस करेंगे। इंटरपोल क्या है इसको डिस्कस करेंगे, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में किस तरह के एक्सप्लॉयटेशन इसमें आते हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं, काफी कुछ जानने को मिलेगा। रिसेंटली सीबीआई ने इसको ज्वाइन किया है तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिल जाए। बात करते हैं उसके बारे में। तो इंडिया का जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई है, उसने ज्वाइन किया है इंटरपोल्स इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इनिशिएटिव। इंटरपोल का एक इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इनिशिएटिव, ठीक है, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इनिशिएटिव, ठीक है, जो इस जिसको किसने ज्वाइन किया है, सीबीआई ने ज्वाइन किया है, ठीक है। ये जो इंटरपोल का ये जो इनिशिएटिव है, ये अलाउ करता है टू कोलेबरेट विद इन्वेस्टिगेटर्स इन अदर कंट्रीज। इसमें और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, और भी मेंबर कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो क्राइम को, जो एक्सप्लॉयटेशन के जो क्राइम है, उन सभी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने का काम करते हैं, तो उनके साथ कोलैबोरेट करता है। तो इंडिया के जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसके जो इन्वेस्टिगेटर हैं और ये जो इन्वेस्टिगेटर हैं, ये आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे, बात कर पाएंगे और इससे डिटेक्ट कर पाएंगे चाइल्ड सेक्स अब्यूज ऑनलाइन जो ये हो रहा है, तो इसको डिटेक्ट कर पाएंगे और साथ में आइडेंटिफाई कर पाएंगे अब्यूजर्स को, जो भी अब्यूज करते हैं ऑनलाइन। आजकल काफी हैरेसमेंट होता है, मेंटल हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट, ठीक है, और ये जैसे इमेजेस लीक हो जाती है, तो ये सब है, प्लस जो सेक्स अब्यूज जो होता है, ठीक है, तो वो सभी, वो अब्यूजर्स कोई क्राइम करके दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वो बेसिकली उन सभी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, विक्टिम्स को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्राइम सीन को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे फ्रॉम ऑडियो विजुअल क्लिप्स यूजिंग स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर। तो ऑब्वियसली ये सब चीजें सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से ही होंगी, कोई क्लिप है, मूवी क्लिप है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो क्लिप है, उन सबसे पता कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये फायदा होगा इसमें जाने का, ठीक है, इसको ज्वाइन करने का, ये जो इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इनिशिएटिव है उसको ज्वाइन करने का। ओके, अब यहाँ पे इंडिया 68th कंट्री है जिसको एक्सेस मिला है इस इंटरपोल के डेटाबेस और सॉफ्टवेयर का। तो इनके सॉफ्टवेयर का एक्सेस मिला है जिससे कि डिटेक्ट करना इजी होगा चीजें, और इनके डेटाबेस के पास बहुत बड़ा डेटाबेस है, उस डेटाबेस का एक्सेस मिला है इंडिया को, ठीक है। और इंटरपोल की वेबसाइट पर ये लिखा गया है कि इंटरपोल जो का डेटाबेस जो है वो हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई 7 चाइल्ड विक्टिम्स एवरी डे ग्लोबली। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो हर दिन 7 चाइल्ड विक्टिम्स को आइडेंटिफाई कर पाता है इसका डेटाबेस। तो इसके डेटाबेस से इतनी हेल्प मिल जाती है, तो इंडिया को भी इससे हेल्प मिलेगी। ओके, अब बात आती है कि इंटरपोल है क्या, ये तो हमें पता होना चाहिए। तो इंटरपोल जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है विथ 195 मेंबर कंट्रीज हैं, और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो फ्रांस में है, लियोन फ्रांस, ठीक है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं, होस्ट एंड इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, ठीक है, ये इनके पास क्या है, एक इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है, जैसे हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, इसी तरह से इसकी हर मेंबर कंट्री का एक बेसिकली होस्ट करता है एंड इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, ठीक है, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, ओके, दैट कनेक्ट्स देयर नेशनल लॉ एनफोर्समेंट टू इट। तो बेसिकली ये क्या करता है, इससे कनेक्ट किया जाता है देयर नेशनल लॉ एनफोर्समेंट, मतलब जो भी उनका लॉ है बेसिकली वो उसको इससे कनेक्ट करता है। तो इनकी जो पुलिस अपनी अपनी कंट्री की जो लॉज हैं वो और इसके लॉज, तो बेसिकली ये कनेक्ट हो पाते हैं और एक दूसरे की हेल्प कर पाते हैं। इन इंडिया सीबीआई इज दैट नोडल एजेंसी, तो इंडिया में सीबीआई इस तरह का नोडल एजेंसी है, बाकी कंट्रीज में और भी होंगी नोडल एजेंसी जिन जो बेसिकली इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, ठीक है, तो इस तरह की नोडल एजेंसी होंगी। इंडिया में इसका नाम क्या है, सीबीआई है, क्लियर है। तो इंटरपोल क्या है, तो इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब बेसिकली इसके डेटाबेस से क्या हेल्प होगी, ठीक है, जो सीबीआई ने ज्वाइन किया है इसका डेटाबेस, तो उससे क्या हेल्प होगी, क्या है ये, तो आईसीएसई डेटाबेस जो है वो यूज करता है वीडियो एंड इमेज कंपैरिजन। तो देखिए ऑनलाइन की दुनिया में अगर हम बात करें तो
तो सॉफ्टवेयर से वीडियोस में से काफी कुछ पता लगाया जा सकता है, इमेज में से काफी कुछ पता लगाया जा सकता है। इमेज को कंपेयर कर लो कि इस लोकेशन पर, तो लोकेशन फाइंड आउट की जा सकती है, पिक्चर्स विजुअल्स वगैरह ये सब फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो इनका क्या करता है, इनका यूज करता है टू एनालाइज चाइल्ड सेक्स एक्सप्लोइटेशन मटीरियल, ठीक है। तो इसको बेसिकली एनालाइज करने के लिए करता है ये, ठीक है, एंड मेक कनेक्शन बिटवीन विक्टिम्स अब्यूजर्स एंड प्लेसेस, ठीक है। तो इस वीडियो और इमेज में प्लेसेस भी दिखेंगी, विक्टिम्स और अब्यूजर्स भी दिख सकते हैं, तो इनके बीच में क्या कनेक्शन फाइंड आउट करता है, इससे पता लगाता है कि कौन कहाँ से क्या एक्सप्लॉइट, किसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है, कौन कर रहा है, किसको कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, ठीक है, ये सब चीजें पता चल जाती है। अब अगर बात करें जुलाई 2022 की, तो ओवर 30,000 विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज एंड ओवर 13,000 क्रिमिनल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड द इंटरपोल, ठीक है। बेसिकली इंटरपोल के द्वारा 13,000 क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई किया गया है जुलाई 2022 का डेटा के हिसाब से, मैं बता रही हूँ अभी का, और 30,000 विक्टिम्स, चाइल्ड विक्टिम्स को आइडेंटिफाई किया गया है, मतलब इतने विक्टिम्स हैं जिनको अब्यूज किया गया है और इतने क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने अब्यूज किया है बेसिकली। और ये सब कैसे पता लगाया गया, तो ये जो इंटरपोल का डेटा है उस डेटा और उस सॉफ्टवेयर से ही आइडेंटिफाई कर पाए। तो सोचिए जब इंडिया की ये हेल्प करेगा तो यहाँ इंडिया में भी कितनी इजीली या काफी कुछ हेल्प होगी इससे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से पूरा इंटरपोल जो है उस पर काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। डेटाबेस अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड सेव्स प्रीशियस टाइम। अब एक ही इंफॉर्मेशन दो बार आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे ये वो डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देता है। तो यहाँ पे जो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, तो आपको एफर्ट ज्यादा नहीं लगाने पड़ते, ज्यादा पेजेस आपको चेक नहीं करने पड़ेंगे, ज्यादा चीजें चेक नहीं करनी पड़ेंगी, तो बेसिकली आपका एफर्ट जो है वो भी कम होगा और आपका जो टाइम है वो भी बचेगा। किसका बचेगा, पुलिस का बचेगा, ऑब्वियस है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेटर्स को बता देता है जो भी डुप्लीकेशन, मतलब बेसिकली डुप्लीकेट डेटा आ रहा है या वही डेटा वापस से रिपीट हो रहा है, तो वो चीजें ये ऑलरेडी हटा देगा और जो लेस डेटाबेस होगा बेसिकली, तो जिससे कि उनका टाइम भी बचे। ओके, वेदर सीरीज ऑफ इमेज हैज ऑलरेडी बीन डिस्कवर्ड और आइडेंटिफाइड इन अनदर कंट्री। हो सकता है कि कुछ जैसी इमेजेस इंडिया से गई हैं वैसी इमेज किसी और कंट्री से भी गई हों, तो उस तरह की इमेजेस ऑलरेडी डिस्कवर कर दी गई हैं, ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुकी है किसी और कंट्री में, तो फिर उसको फिर वो बता देगा कि यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है ये वाली चीज, तो यहीं से ही होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा क्रिमिनल है जो हमने पहली बार देखा, बाकी किसी कंट्री में ऑलरेडी हो चुका है, तो वो बता दिया जाएगा कि भाई ये ऑलरेडी देख चुके हैं उसको ये, ठीक है। वेदर इट हैज सिमिलर फीचर्स टू अदर इमेजेस, ठीक है, तो ये भी बता यहाँ पे कि वो सेम ही चीज है या सिमिलर फीचर्स हैं बाकी अदर इमेजेस से, तो वो पता चल जाएगा, ठीक है, तो इसे आइडेंटिफाई करना ईजी रहेगा। ओके, यूजिंग द इमेज एंड वीडियो कंपेरिजन सॉफ्टवेयर, ये जो इमेज और वीडियो कंपेरिजन से कंपेयर किया जाएगा बेसिकली इमेज और वीडियो कंपेरिजन सॉफ्टवेयर से, इन्वेस्टिगेटर्स अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई लोकेशन ऑफ मार्कर्स विजिबल इन द पीस ऑफ मीडिया। तो बेसिकली जो मीडिया, मतलब जो वीडियो है, जो इमेज है, उसमें जो भी लोकेशन है, जो भी जगह है, तो उस लोकेशन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है, उन इमेजेस से। बहुत सारी इमेजेस होंगी इसके डेटाबेस में, तो उस डेटाबेस में इमेज, कोई हमने कोई इमेज दी, वो उस डेटाबेस में इमेज है, उसको कंपेयर कर पाए और उससे पता चल पाएगा कि कौन सी लोकेशन है। दिस कैन बी थ्रू द साइनेज नियर बाय, आसपास के साइन से पता चल पाएगा, जैसे कि मान लीजिए जिस जगह पे हम, उस रोड पे कुछ साइन होंगे, कुछ जगह होंगी, उनसे पता चल पाएगा, ठीक है, वहां पे आर्ट वर्क होगा, वहां पे फोटोज होंगे, वॉल होंगे जिसपे कुछ डेकोरेशन होगा, तो उससे पता चल पाएगा, उनको कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने से पता चल पाएगा ये लोकेशन तो यहाँ की है, ठीक है। डिटेक्टिव्स इन ऑल 68 कंट्रीज ऑफ द ग्रुपिंग कैन फर्दर एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। उसके बाद क्या होगा, आपस में ये सारी सारी जो कंट्रीज है वो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, वॉट हैज इंडिया डन टू कॉम्बैट ऑनलाइन चाइल्ड सेक्स अब्यूज। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इंडिया ने रिपोर्टेड ओवर 24 लाख इंस्टेंस ऑफ ऑनलाइन सेक्स, चाइल्ड सेक्स अब्यूज फ्रॉम 2017 टू 2022। 2017 से 22 के बीच में 24 लाख इस तरह के चाइल्ड सेक्स अब्यूज मिले हैं, मतलब इंडिया के सामने आए हैं, ठीक है, तो इतने रिपोर्ट किए गए हैं। इसमें से 80% विक्टिम्स जो है वो गर्ल्स हैं, और ये गर्ल्स कितनी एज की हैं, बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स, ठीक है, तो 14 साल से छोटी गर्ल्स हैं, ठीक है, ये उनमें से मोर देन 60% आइडेंटिफाइड विक्टिम्स जो हैं वो मैच्योर, मतलब बेसिकली वो बड़े भी नहीं हुए हैं, ठीक है, तो वो 14 साल
17-18 साल से पहले पहले की गर्ल्स, ठीक है, ये है, और इन्फेंट्स हैं इनमें, ठीक है, तो बच्चे हैं बेसिकली इनमें से, इन्फेंट्स टॉडलर्स ये हैं, ठीक है, 60% से भी ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा अराउंड 65% अनआइडेंटिफाइड विक्टिम्स जो है वो गर्ल्स हैं, और सीवियर अब्यूज इमेजेस जो है ज्यादा वो वर मोर लाइकली टू हैव बॉयज, ठीक है। तो ये इमेजेस मतलब बेसिकली बॉयज, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अनआइडेंटिफाइड विक्टिम्स जो है वो कैसे हैं, बच्चे हैं, ठीक है, इन्फेंट्स हैं, बच्चे हैं, और 65% अनआइडेंटिफाइड विक्टिम्स जो है वो गर्ल्स हैं, ठीक है, मतलब मेनली ज्यादातर गर्ल्स हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, और अगर हम आगे बात करें तो 2019 में सीबीआई सेट अप अ स्पेशल यूनिट, एक स्पेशल यूनिट सेटअप किया सीबीआई ने, जिसका नाम क्या है, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन तो आपको पता ही था, ऑनलाइन आप इसमें जोड़ दें, ठीक है, प्रिवेंशन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, उसके प्रिवेंशन या इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है, प्रिवेंशन रोकने के लिए, इन्वेस्टिगेशन अगर हो गया तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, OSOCSAE, ठीक है, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, बेसिकली ये है। तो ये इन्होंने सेटअप किया, ये किस लिए सेटअप किया गया, इसकी जांच करने के लिए, फॉर ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग पोस्टिंग सर्कुलेशन एंड डाउनलोड्स ऑफ जो CSEM है उसका ऑनलाइन, बेसिकली ये सब मॉनिटर करने के लिए, इसको ट्रैक करने के लिए इसको सेटअप किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सब इंटरपोल के बारे में जाना है, सीबीआई ने इंटरपोल को ज्वाइन किया, उसके क्या फायदे होंगे वो जाना, और भी बहुत कुछ डिस्कस किया, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएगा। इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अलावा इंस्टा फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, यहाँ पर भी आपको अपडेट मिल जाएगी, टेलीग्राम पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।